प्रिय छात्रों, आज हम व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं अध्याय 12.1 के अंतर्गत अध्याय पर्यवेक्षण एवं अभिप्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं सुपरविजन एवं मोटिवेशन, सुपरविजन एवं मोटिवेशन। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि एक संस्था या एक उपक्रम में, समूह में जब बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, तो उन समूह के बीच में एक उनका मुखिया होता है जो उनको किस प्रकार से कार्य करना है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनका निर्देशन करता है, उनको कार्य के बारे में समझाता है एवं समूह के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग करता है, उसका लगातार निर्देशन करता है, वो कहलाता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का जो कार्य करता है वो कहलाता है पर्यवेक्षक। अब इसी से जुड़ा हुआ शब्द इसको और है अभिप्रेरणा, जो कि मोटिवेशन, अर्थात एक समूह के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने समूह के लोगों को कार्य करने के लिए जो प्रेरणा प्रदान करता है, उनको कार्य के प्रति जो प्रेरित करता है, वो कहलाता है अभिप्रेरणा। तो आज हम इस अध्याय के अंतर्गत पर्यवेक्षण क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, इसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो एक उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना पर्यवेक्षण कहा जाता है। एक उपक्रम की सामान्य नीतियों एवं कार्य योजनाओं को पर्यवेक्षण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। उपक्रम की जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं, उन नीतियों, उद्देश्य, कार्य योजनाओं को पर्यवेक्षक के द्वारा जो है पर्यवेक्षण के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कर्मचारी को मार्गदर्शन एवं हिदायतें दी जाती हैं, किस प्रकार से कार्य करना है उसको मार्गदर्शन दिया जाता है, क्या क्या बंदिशें हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, इस संबंध में उसको समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं और लगातार निगरानी चारुपूर्ण ढंग से हो सके। तो ये जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो इस कार्य को करता है, वो कहलाता है पर्यवेक्षक, फोरमैन, अधीक्षक या सुपरवाइजर, इनको कहा जाता है। अर्थात जो कार्य की देखरेख करता है, जो उसकी निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है, समय समय पर दिशा निर्देश प्रदान करता है, वो कहलाते हैं पर्यवेक्षक या फोरमैन या कार्यालय अधीक्षक या सुपरवाइजर के नाम से इनको पुकारा जाता है। बाइटल्स ने पर्यवेक्षण की जो परिभाषा दी है कि पर्यवेक्षण का तात्पर्य किसी कार्य के निष्पादन में अधीनस्थों को प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उन पर नियंत्रण करना है। तो यहाँ पर पर्यवेक्षण का जो तात्पर्य है, किसी कार्य के निष्पादन में, अर्थात किसी कार्य को पूरा करने में जो उसके अधीनस्थ हैं, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप में तत्काल में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, उनको गाइडेंस प्रदान करना और उन पर कंट्रोलिंग रखना, नियंत्रण रखना, ये कहलाता है पर्यवेक्षण। तो यहाँ हमने पर्यवेक्षण से क्या आशा है ये जाना। इसके बाद हम देखते हैं पर्यवेक्षण के तत्व। तो सबसे पहला जो इसका तत्व है वो है नेतृत्व का गुण, अर्थात एक पर्यवेक्षक में आवश्यक रूप से नेतृत्व का गुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने समूह को लेकर कार्य करा रहा है, तो समूह में उसके क्या है, अधीनस्थ लोग हैं, उससे निचले पद वाले लोग हैं, तो उनको क्या करना, सही मार्गदर्शन कर कार्य के प्रति उनका मनोबल बढ़ाना है। तो पर्यवेक्षण के जो तत्व हैं वो पहला है नेतृत्व का गुण। दूसरा जो है सामान्य वातावरण का सृजन। सफल पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक है कि उस उपक्रम का, उस संस्था का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण, समन्वयपूर्ण, सहयोगपूर्ण हो, अर्थात सभी उच्च अधिकारी और जो उनके अधीनस्थ हैं उन दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य बनाकर उचित वातावरण रखा जाए। तो यह है सामान्य वातावरण का सृजन।
तीसरा है तकनीकी व प्रबंधकीय ज्ञान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक पर्यवेक्षक जो अपने समूह का मार्गदर्शन करता है, निर्देशन करता है, उसको उस कार्य से जुड़े हुए तकनीकी तत्वों और प्रबंधकीय तत्वों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर्यवेक्षक को तकनीक एवं प्रबंधकीय ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपने उच्च अधिकारियों को सहयोग कर सके और अपने से निचले व्यक्तियों की सभी प्रकार की समस्याओं का निदान कर सके। चौथा है सृजनात्मक क्षमता पर है कि कार्य की प्रकृति को दौरान जो है कार्य की प्रकृति को देखते हुए नए नए ढंग से वो उस कार्य को बेहतर ढंग से करा सके, इस रूप में उसको सृजनात्मक होना चाहिए। तो पर्यवेक्षक को मानवीय संबंध कौशल सृजित करना चाहिए, अधिकतम उत्पादन के लिए वह मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं और व्यवहारों का पूर्ण उपयोग करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक पर्यवेक्षक है वो मानवीय संबंध कौशल सृजित करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं और व्यवहारों का पूर्ण उपयोग उसको आना चाहिए। तो ये जो है इसके बाद हम देखेंगे पर्यवेक्षण का महत्व व पर्यवेक्षक के कार्य। यहाँ पर जो है पर्यवेक्षण का महत्व एवं पर्यवेक्षक के कार्य क्या क्या के कार्य है या पर्यवेक्षण का एक उपक्रम में क्या महत्व है। तो सबसे पहला बिंदु जो है उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति, जो उपक्रम के उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, उस उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप जो है पर्यवेक्षक जो है अपने समूह से कार्य को कराता है। तो यहाँ पर पहला जो है उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति, दूसरा जो है प्रभावपूर्ण संप्रेषण। उपक्रम में उच्च स्तर के अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक कर्मचारी, मजदूर, बहुत सारा एक समूह के रूप में सब मिलजुल कर आपस में कार्य करते हैं। यहाँ पर उच्च अधिकारी के द्वारा जो बात कही जाती है वो निचले स्तर तक उसी रूप में निचले स्तर तक पहुँचे। तो संप्रेषण यहाँ कैसा होना चाहिए, पर्यवेक्षक के द्वारा जो है प्रभावपूर्ण संप्रेषण होना चाहिए, अर्थात जो ऊपर से बात कही गई है वो उसी रूप में नीचे तक पहुँचे। फिर नियंत्रण में सहायक, जो उपक्रम के अंतर्गत जो समूह कार्य कर रहे हैं उन समूह पर एक अनुशासनात्मक नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। तो पर्यवेक्षक की यहाँ पर भूमिका जो है उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के बीच में उनकी कंट्रोलिंग, उनके नियंत्रण में जो है पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर साधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यवेक्षक जो होता है वो मार्गदर्शक होता है, निर्देशक होता है कि कार्य को किस प्रकार कराना है। तो यहाँ पर जो है वो उन सभी तमाम साधन जो कि उत्पादन से जुड़े हुए हैं उनका कौशलतम निर्देशन करता है और बेहतर ढंग से उन समस्त संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करता है। फिर अनुशासन में सहायक, यहाँ पर पर्यवेक्षक जो होता है वो अपने समूह में, उपक्रम में सभी लोगों के बीच में अनुशासन को बनाए रखता है, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की कर्मचारी व कार्य के दौरान कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं को वो हल करता है, यदि ऊपर पहुंचाने लायक समस्या हुई तो ऊपर तक पहुंचाता है। इस प्रकार से वो एक चौतरफा चारों तरफ से अपने समूह पर एक नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर वो अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। फिर कार्य दक्षता में वृद्धि, पर्यवेक्षक जो है यहाँ पर कुशल मार्गदर्शन प्रदान करता है अपने कर्मचारियों को, कार्य को किस प्रकार से करना है बेहतर ढंग से उन्हें समझाता है। तो यहाँ कर्मचारियों की कार्य दक्षता में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर मधुर संबंध, पर्यवेक्षक के माध्यम से जो है सभी कर्मचारियों के बीच में आपसी संबंध मधुर बने होते हैं। और उसके बाद अभिप्रेरणा का विकास। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यवेक्षण का जो महत्व है या कार्य है एक संस्था या उपक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण के पश्चात जो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या है, एक कर्मचारी को कार्य के लिए प्रेरित करना, कार्य के प्रति उसका उत्साह बढ़ाना ताकि वो बेहतर ढंग से आगे आकर कार्य को कर सके।
तो एक उपक्रम में कार्य करने के लिए कार्य के प्रति कर्मचारी को प्रेरित करना, उसमें पहल शक्ति को बढ़ाना, रुचि जागृत करना, ये मुख्य रूप से क्या कहलाता है? अभिप्रेरित करना कहलाता है। हम देखते हैं कि एक उपक्रम में बहुत अच्छे योग्य कर्मचारी होते हैं और वो बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं, तो इसको हम ये मानते हैं कि उनमें कार्य करने की क्षमता है। तो एक चीज हम देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता व कार्य करने की इच्छा, ये दोनों अलग अलग बात है। संभव है कि एक उपक्रम में कार्य करने की इच्छा रखने वाले लोग कम हो, भले ही उस उपक्रम में उस कार्य को करने की पूर्ण क्षमता रखने वाले बहुत सारे लोग हों। तो संभव है कि उपक्रम में कार्य करने वाले योग्य कर्मचारी हों, लेकिन उनमें कार्य करने की इच्छा ना हो, तो उत्पादन अधिक होने के स्थान पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः यहाँ कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसा कि बताया मैंने कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है, कैपेसिटी है उसमें, क्षमता है, योग्यता है, लेकिन दूसरा बिंदु जो है कार्य करने की इच्छा, ये उसके अंदर है कि नहीं, तो ये दोनों अलग अलग बात है। एक व्यक्ति का हम समय खरीद सकते हैं, दिए हुए स्थान पर उसकी उपस्थिति को हम खरीद सकते हैं, अर्थात हम एक व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, उसको उस स्थान पर बुला सकते हैं, उसकी दैहिक उपस्थिति को हम वहां प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसकी पहल शक्ति और निष्ठा ईमानदारी को खरीदना संभव नहीं होता। उसमें उत्साह तथा कार्य करने को तत्पर करने हेतु हमें क्या करना पड़ता है? उसको प्रेरित करना पड़ता है, जिससे हम प्रबंध विज्ञान की भाषा में कहते हैं अभिप्रेरण, अर्थात एक व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करना, वो कहलाता है अभिप्रेरण। यहां जो बात मैंने कही थी कि कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा दोनों अलग अलग इसलिए है कि एक व्यक्ति में कैपेसिटी होती है, लेकिन यदि उसमें इच्छा नहीं है तो वो कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, यदि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है लेकिन इच्छा है, तो भी वो व्यक्ति इच्छा के अनुसार जो है उस कार्य को पूरा कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो अभिप्रेरित है, प्रेरित है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है कि कार्य करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और ये कार्य करने की इच्छा किस प्रकार से जागृत होगी? उसकी अभिप्रेरण के माध्यम से, जब हम उसको प्रेरित करेंगे। तो एक व्यक्ति के अंदर कार्य करने की उसकी पहल शक्ति को बढ़ाना, उसकी रुचि को जागृत करना, उससे बेहतर कार्य करना, उसको मोटिवेट करना कहलाता है अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित। यहां परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने की क्रिया है, अथवा वांछित क्रिया प्राप्त करने के लिए सही बटन दबाना है। तो अभिप्रेरणा क्या है? स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए को कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना है, और जो कार्य हमें पूरा करवाना है उससे, उस कार्य को पूरा करवाने के लिए समझ लीजिए कि उसकी सही बटन दबाना है, मतलब अभिप्रेरित करना है उसको। तो यहाँ पर सही बटन क्या है? अभिप्रेरणा, अर्थात हम उसको मोटिवेट कर देंगे तो निश्चित है कि उसकी पहल शक्ति, कार्य करने की भावना तेजी से ऊपर उभर के आ जाएगी और वो तेजी से उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो यहाँ अभिप्रेरणा जो है प्रोत्साहन देने तथा अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की क्या है? विधि है। अभिप्रेरणा क्या है? एक व्यक्ति को उत्साहित करना, उसकी पहल शक्ति को बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना, और इसके फलस्वरूप उसके उत्साहित होने के बाद जो अपेक्षित उत्तर के रूप में हमें कार्य पूर्ण रूप से होकर प्राप्त हो रहा है। तो अभिप्रेरणा क्या है? यहाँ प्रोत्साहन देना और अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की क्या है? एक विधि है। सामान्य शब्दावली है जो प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, सद्भावनाओं तथा इसी प्रकार की शक्तियों के संपूर्ण वर्ग पर लागू होती है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा क्या है? मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है। अभिप्रेरणा क्या है? मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो कर्मचारी को कार्य के लिए प्रेरित करती है। हम मानसिक रूप से एक्साइटेड होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तेजी से आगे बढ़ते हैं उस कार्य को करने के लिए। कब होते हैं? जबकि हम
प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार की अभिप्रेरणा क्या है, मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो कर्मचारी को कार्य के लिए प्रेरित करती है, कार्य पर बनाए रखती है तथा उसे कार्य के प्रति अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। तो ये है अभिप्रेरणा की परिभाषा या अभिप्रेरण क्या है। इसके बाद हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। सबसे पहला है सकारात्मक अथवा धनात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव। तो सकारात्मक अथवा धनात्मक अभिप्रेरणा उच्च स्तर के निष्पादन हेतु, कार्य के निष्पादन हेतु, कार्य निष्पादन हेतु हम एक कर्मचारी की प्रशंसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हैं, पदोन्नति प्रदान करते हैं या उसे विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं, तो वो कहलाती है सकारात्मक अथवा धनात्मक अभिप्रेरणा। साथ यहाँ पर है कि भय के आधार पर वेतन कटौती, वेतन वृद्धि रोकना, पदावनत कर देना, निष्कासन आदि का भय दिखाकर जो हम कर्मचारी के व्यवहार में जो है यहाँ पर परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि ये कम किया जाता है। तो यहाँ हम दोनों में देखते हैं कि सकारात्मक और ऋणात्मक। सकारात्मक जो है एक कर्मचारी की हम प्रशंसा करते हैं, उसको पदोन्नति प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, तो उससे उस कर्मचारी के मन में एक पॉजिटिव कार्य के प्रति थिंकिंग आती है, वो अभिप्रेरित होता है, वो कार्य को बेहतर ढंग से करता है। वहीं ऐसे कर्मचारी जो कार्य को नहीं करना चाहते हैं, जिनके अंदर कार्य की करने की इच्छा नहीं है, हम उनसे कार्य जबरदस्ती कराते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए एक भय के तौर पर हम उन्हें एक भय दिखा सकते हैं। जैसे वेतन कटौती कर दी हमने, वेतन वृद्धि रोक दी उनकी, या उनको पदावनत अर्थात जिस पद पर कार्य कर रहे थे उस पद से उन्हें नीचे के पद पर उन्हें डिमोट कर दिया, या संस्था से बाहर करने का भय हम दिखाकर जो है कर्मचारी के व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं और उनको वापस काम पर ला सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये अधिक की जाती है, धनात्मक अधिक तौर पर की जाती है और ये कम की जाती है। फिर तीसरा इसमें है आर्थिक या मौद्रिक अभिप्रेरणा, वित्तीय रूप से, जिससे कि व्यक्ति को यहाँ पर कर्मचारी को आर्थिक धन के रूप में लाभ होता है, वो कहलाती है आर्थिक या मौद्रिक अभिप्रेरणा। तो स्वाभाविक है कि एक कर्मचारी का जब वेतन बढ़ता है, पर्याप्त उसको वेतन प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त कार्य करने पर उसको अलग से वेतन प्राप्त होता है, पेंशन की श्योरिटी होती है, ग्रेच्युटी उसको मिलती है, साथ ही अवकाश अवधि में यदि वो कार्य करता है तो उसका वेतन उसको प्राप्त होता है, तो इन सारी चीज़ों के वित्तीय लाभ से जो है वो मौद्रिक और आर्थिक रूप से क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, वो कहलाता है आर्थिक या मौद्रिक अभिप्रेरणा। चौथा है गैर आर्थिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणा, अर्थात ऐसी अभिप्रेरणा जो मुद्रा से नहीं जुड़ी है, जिसकी अभिप्रेरणा के बदले में जो है उसको धन प्राप्त नहीं होता। तो ये मौखिक है, जैसे पदोन्नति, प्रशंसा पत्र उसको प्राप्त हुआ, ऊपर का पद उसको प्रमोट कर दिया गया, और साथ ही सहभागिता कार्य के प्रति मधुर व्यवहार इत्यादि के द्वारा जो है कर्मचारी के व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो है गैर आर्थिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणा ऐसी अभिप्रेरणा है जिसमें व्यक्ति को पदोन्नति प्राप्त होती है, प्रशंसा पत्र प्राप्त होते हैं, कोई पद की आइडेंटिटी हो जाती, पहचान मन के रूप में वह बन जाता है, ये कहलाती गैर आर्थिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणा। तो यहाँ हमने देखा चार प्रकार के, सकारात्मक अथवा धनात्मक, नकारात्मक अथवा ऋणात्मक अभिप्रेरणा, आर्थिक व मौद्रिक अभिप्रेरणा और गैर आर्थिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणा। की विशेषताएं, तो अभिप्रेरणा नंबर एक सतत प्रक्रिया, एक उपक्रम में जो है उत्पादन निरंतर रूप से चलता रहता है, कर्मचारी लगातार अनवरत रूप से कार्य करते रहते हैं, तो उनको दिशा निर्देश, उनको मार्गदर्शन, उनकी पहल शक्ति को बढ़ाना, उनकी कार्य के प्रति रुचि को बढ़ाना, यह प्रक्रिया लगातार अनवरत रूप से चलती रहती है, इसलिए अभिप्रेरणा जो है क्या है, एक सतत प्रक्रिया के रूप में। दूसरा, कार्य करने की शक्ति,
एक व्यक्ति जब मोटिवेटेड होता है, जब अभिप्रेरित होता है, तो निश्चित तौर पर उसके मन में कार्य के प्रति भावना तेजी से बढ़ती है, और यही कार्य करने की भावना जो है उसकी क्या है, शक्ति। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा है अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा। अभिप्रेरणा जो है वो एक क्या है, मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात एक व्यक्ति को मानसिक उत्तेजना कार्य के प्रति प्रदान करना है, एक कर्मचारी के मन को इस तरह से प्रेरित करना है कि वो तेजी से कार्य करने के लिए आगे बढ़े, उसकी पहल शक्ति आगे बढ़े। तो अभिप्रेरणा जो है वो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। फिर अभिप्रेरणा जो है प्रेरकों की प्रतिक्रिया है। अभिप्रेरण के अंतर्गत जो प्रेरक हैं, जो समूह का नेतृत्व करने वाले हैं, वो जिस तरह से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करके बेहतर से बेहतर उनसे काम लेना चाहते हैं, तो ये क्या है, एक प्रतिक्रिया है किसकी, प्रेरकों की, अभिप्रेरकों की, जो अपने कर्मचारियों को, अपने समूह के लोगों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। फिर है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, ना कि कारण। एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो वो या तो संतुष्ट होता है या असंतुष्ट होता है। यदि व्यक्ति या कर्मचारी बेहतर रूप से कार्य के प्रति अभिप्रेरित है, उत्साहित है, तो निश्चित है कि वो बेहतर कार्य करेगा, और जब वो बेहतर कार्य करेगा तो उसको मानसिक रूप से संतुष्टि होगी। तो यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा मानसिक संतुष्टि का परिणाम है, ना कि कारण। अर्थात इसलिए व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा कि वो अभिप्रेरित है इसलिए कार्य कर, वो मानसिक रूप से सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। तो अभिप्रेरणा जो है मानवीय संतुष्टि का क्या है, परिणाम है। फिर अभिप्रेरणा का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, एक सीमित क्षेत्र तक नहीं है, इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। अर्थात कारखाने में के अंदर, कारखाने के बाहर, संस्था के अंदर, संस्था के बाहर, सभी रूप में कर्मचारी जो है व्यापक रूप से अभिप्रेरित होता है। तो ये अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं। इसके बाद है अभिप्रेरणा के उद्देश्य एवं महत्व। उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, अर्थात इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के प्रेरक प्रदान किए जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की प्रेरणा प्रदान की जाती है, तो उपक्रम क्रमिक जो है पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रोत्साहित होते हैं। तो अभिप्रेरणा जो है उपक्रम के लक्ष्यों की क्या है, प्राप्ति में सहायक है, और यहाँ पर कर्मचारी प्रेरित होकर अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरी क्षमता के साथ जो उपक्रम के लक्ष्य हैं, जो उपक्रम के उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है। खैर, मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। उत्पादन के साधनों में केवल श्रम ही सक्रिय साधन होता है, बाकी साधन जो है निष्क्रिय है। यहाँ पर जो है श्रम ही क्या है, एक सक्रिय संसाधन है। तो यहाँ अभिप्रेरणा के द्वारा जो है कर्मचारियों को आंतरिक योग्यता का विकास होता है। तो यहाँ पर जो है श्रम जितना मोटिवेटेड होगा, जितना अभिप्रेरित होगा, उनकी जो अंदर की कैपेसिटी, आंतरिक योग्यता है, उसका यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। फिर मनोबल में वृद्धि। अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रेरकों से श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि होती है, और वह उपक्रम के लिए कुशलतम श्रम शक्ति के रूप में सिद्ध होती है। तो यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा के माध्यम से जो है विभिन्न प्रेरकों के प्रेरणा के माध्यम से श्रमिकों की मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, उनका मनोबल बढ़ता है, और यह उनका बढ़ा हुआ मनोबल जो है वो उपक्रम के लिए कुशलतम श्रम शक्ति के रूप में सिद्ध होता है। फिर है कार्य संतुष्टि। यहाँ पर जो है अभिप्रेरण द्वारा श्रमिक पूरी ईमानदारी, कुशलता और निष्ठा से करते हैं, और अधिकतम परिणाम देने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें उपक्रम से पूरा सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है श्रमिक पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ बेहतर कार्य करते हैं और अधिकतम परिणाम देने का प्रयास करते हैं। फिर उत्पादकता में वृद्धि। कर्मचारी का मनोबल बढ़ा होने से बेहतर कार्य करता है, जिससे उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर मधुर औद्योगिक संबंध।
अभिप्रेरण के माध्यम से कर्मचारी में संतुष्टि रहती है, जिससे प्रबंध के साथ उनके मधुर अधिकारी कर्मचारी के बीच में सहयोग की भावना यहाँ बनी रहती है। तो अभिप्रेरण के माध्यम से जो है कर्मचारियों को सेटिस्फेक्शन रहता है, संतुष्टि रहती है और उनके प्रबंध के साथ जो है मधुर संबंध बने रहते हैं। फिर कर्मचारियों में स्थायित्व, विभिन्न प्रेरणाओं के माध्यम से कर्मचारियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे वे उपक्रम को छोड़ के नहीं जाते और उपक्रम में उनकी अनवरत उपस्थिति बनी रहती है। तो कर्मचारियों के स्थायित्व से यहाँ पर तात्पर्य है कि जब कर्मचारी उपक्रम से मोटिवेटेड रहता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं कर्मचारियों की वो पूरी होती है और वे उपक्रम को छोड़कर नहीं जाते हैं। उपक्रम में वो अवकाश भी कम लेते हैं और उनकी उपस्थिति जो है अनवरत रूप से बनी रहती है। तो ये थे, अभ्यास प्रश्न है, पर्यवेक्षण से आशय एवं पर्यवेक्षण के प्रभावी तत्वों को समझाइए। दूसरा, पर्यवेक्षण का महत्व या उसके कार्यों को समझाइए। तीसरा, अभिप्रेरणा से आशय और अभिप्रेरणा के प्रकारों को समझाइए, जो अभी बताया, सकारात्मक, नकारात्मक और आर्थिक और न आर्थिक। यहाँ पर अभिप्रेरणा की विशेषताएं लिखिए और अभिप्रेरणा के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए।